बिल्कुल बेटा, इस खेल में तुम्हारे नाना जी, दादा जी, अब्बा जान, भाई जान सबने हॉकी में बड़े जौहर दिखाए बेटा। अब तुम्हारी बारी है, इकबाल खानदान का नाम रोशन कर। जहाँ भी खेले, जब भी खेले, जिसके साथ भी खेले, ये मत भूलियो बेटा कि तुम हिंदुस्तान के सबसे बड़े हॉकी प्लेयर की पोती, नाती, बेटी और बहन है। इन सबसे ऊपर मत उठे, कम से कम नीचे मत गिरना। जा, सारा हिंदुस्तान तेरी तरफ देख रहा है। ये क्या, कैंप के पहले दिन ही लेट आ रहे हो तुम लोग? नाउ गेट अप फास्ट। तीन प्लेस कम है कृष्णा जी। हाँ, मैं देखती हूँ सर, तुम लोग जल्दी से रेडी हो जाओ, फास्ट। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस पर नहीं आना? प्रैक्टिस पर आएंगे, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस पर थोड़ी। क्या मतलब? अरे मैडम, जब मैच प्रैक्टिस होगी तो बुला लेना, तब तक हम खुद ही प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या चाहते हो, नया कोच कैंप के पहले दिन ही तुम्हें टीम से निकाले? जो खुद निकाला गया वो हमें क्या निकालेगा मैडम। सर वो दो तीन लड़कियों की तबीयत जरा खराब है, कल से आ जाएंगी। ठीक है, फिर प्रैक्टिस भी कल से करते हैं। जब तक पूरी टीम नहीं होगी प्रैक्टिस नहीं होगी। सॉरी गर्ल्स। कृष्णा जी, thank you.
मुझे तो सब नॉर्मल लग रहा है। पर दर्द तो है ना। ठीक है, इन्हें आराम करने दीजिए। प्रैक्टिस तभी होगी जब ये ठीक हो जाएंगे। तीन चार दिन भी लग सकते हैं। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। इन दिनों को दही चावल की डाइट पर रखिए जब तक इनका दर्द ठीक ना हो जाए। फिकर मत कर, गुरुदा ढाबा का नंबर है मेरे पास। माइंड ब्लोइंग चिकन। आइए। आपने बुलाया सर? हाँ, प्लीज बैठे। थैंक यू। मदर है ना आपकी, घर पर रहती हैं? हाँ मदर हैं, पर घर नहीं। मजाक बहुत करते हैं आप भी। एक बात करनी थी आपसे, वो बीमार प्लेस के बारे में। जी कृष्णा जी, वर्ल्ड कप तक का रास्ता बहुत लंबा है और रास्ता दिखाने वाले सिर्फ आप और मैं हैं। मैं आप पे खुद से भी ज्यादा भरोसा करना चाहता हूं, मगर कोई बात कभी मत छिपाइएगा मुझसे, चाहे कितनी भी बुरी।